हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। एक गलती जो कि टैली यूजर्स अक्सर करते हैं वो क्या है, आइए दिखाता हूँ। सबसे पहले किसी कंपनी में हम चलते हैं तो यहाँ से कोई भी कंपनी, जैसे ईवे बिल वाली कंपनी है, इसी को हम ले लेते हैं। यहाँ पर आ गए, अब वो गलती क्या है समझिएगा। जैसे हम सीधा सीधा क्या करते हैं, एक डेटर पार्टी बनाते हैं, ठीक है। अब डेटर पार्टी आई, आमतौर पर डेटर पार्टी सेम स्टेट की ही होती है, लेकिन अगर बात करें डिफरेंट स्टेट आपने कर दिया, ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपने डिफरेंट स्टेट कर दिया तो क्या दिक्कत होगी, आइए देखते हैं। यहाँ पर आए लेजर पर, और लेजर पर आकर के एंटर करेंगे, और एंटर करने के बाद यहाँ पर डेटर पार्टी का लेजर बनाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा जो डेटर पार्टी है वो है मोनू, ठीक है, और ये हमारा डेटर ही है। तो यहाँ पे ग्रुप क्या पड़ेगा, सन्ड्री डेटर पड़ जाएगा ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ से सन्ड्री डेटर कर लिया, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, और एंटर करते हुए आप देखिए यहाँ पर स्टेट चेंज रहेगा, ठीक है। यानी ये हो सकता है उत्तराखंड से आए हो, तो यहाँ पे उत्तराखंड कर दिया। आप एंटर करके इसको एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट कराने के बाद की स्थिति क्या होगी वो समझिए। यहाँ से बाहर आने के लिए एस्केप बटन, ईएससी, ठीक है। अब ये गेटवे ऑफ टैली पे आ गए। अब यहाँ पर आ करके आपको करना क्या है, वी बटन प्रेस करना है। वी बटन प्रेस कर दिया, अब वी बटन प्रेस करते ही हम आ गए कहाँ, पेमेंट वाउचर में। अब ये पेमेंट दिख रहा है, हमें कहाँ जाना है, हमें जाना है सेल्स वाउचर में। तो ये सेल्स वाउचर में आए, क्योंकि डेटर पार्टी का तो लेजर सेल्स वाउचर में ही आता है। याद रखिएगा, कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा डेटर और क्रेडिटर पार्टी के बीच में। जब भी आप परचेजिंग करेंगे तो परचेज वाउचर में आता है क्रेडिटर पार्टी का लेजर, और जब भी आप सेल करेंगे तो सेल्स वाउचर में आता है सन्ड्री डेटर वाले ग्रुप में जो लेजर बनता है, यानी डेटर पार्टी का लेजर, याद रखिएगा। तो यहाँ पर ये मोनू हमारी डेटर पार्टी है, तो इसका लेजर इंसर्ट करिए, एंटर करिए, एंटर करिए, और एंटर करिए, और इनका कोई जीएसटीआईएन नहीं होगा, जाहिर सी बात है। और यहाँ पर आएगा एक सेल्स अकाउंट का लेजर, तो ये लिखा सेल्स ए ऑब्लिक सी अकाउंट कर दिया। और इसका ग्रुप क्या होता है, ग्रुप भी याद रखिएगा सेल्स अकाउंट होता है, क्या होता है, सेल्स अकाउंट। तो ये सेल्स अकाउंट करके एंटर एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लिया। अब एक्सेप्ट कराने के बाद जो स्टॉक आइटम हमारे पास होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे तो राइस की बात है, और कोई स्टॉक आइटम तो है नहीं हमारे पास, तो राइस ही लेते हैं फिलहाल, क्या करेंगे, तो ये राइस ले लेते हैं। जो रहेगा वही हम सेल कर पाएंगे, ये याद रखिए। 60 किलो चावल है तो 50 किलो हम सेल कर रहे हैं, ठीक है। 50 किलो सेल करना है तो किस रेट से कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम 80 रुपए किलो के भाव से ये चावल से, जो है सेल कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आएगा जीएसटी का लेजर, ठीक है। तो जीएसटी का लेजर पहले से या तो अवेलेबल होगा या तो हमने बनाया नहीं होगा। तो अगर आपने परचेज में नहीं लगाया तो सेल्स में भी नहीं लगेगा, तो परचेज में लगाना पड़ेगा। परचेज में लगाएंगे सेल्स में ऑटोमेटिक आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ ऑल्ट सी करके यहाँ लेजर बनाएंगे सी जी एस टी, और यहाँ पर जो है एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, और यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस का ग्रुप रख लेंगे। ये देखिए ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस, फिर यहाँ जीएसटी, और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सी जी एस टी हो जाएगा, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, इसको एक्सेप्ट कराएंगे, तो यहाँ पे सी जी एस टी कैलकुलेट नहीं होगा। एक्चुअली तो बात है डिफरेंट स्टेट की, तो इस वजह से नहीं कैलकुलेट हो रहा है। तो यहाँ ऑल्ट सी करके आई जी एस टी भी बना के देख लेते हैं। आई जी एस टी किया हमने, एंटर किया, यहाँ पे जीएसटी रखेंगे और यहाँ आईजीएसटी, फिर यहाँ पर एंटर करेंगे और यहाँ नॉर्मल राउंडिंग करके एंटर करेंगे, तो यहाँ पर भी नहीं कैलकुलेट होगा, क्योंकि परचेज में नहीं लगाया तो सेल्स में कैसे लगेगा। याद रखिएगा इस बात को, जब भी आप परचेज वाली एंट्री करेंगे, भाई आप सामान होलसेल में परचेज करके लाएंगे तो लोकल लोगों को बेचेंगे, तो जब बेचेंगे तो आप दाम बढ़ा के बेचेंगे। तो जब परचेजिंग वाली एंट्री जो है वो आप कर लेंगे परचेज वाउचर में, तभी आप सेल्स वाली एंट्री कर पाएंगे। और अगर परचेज में आपने जीएसटी एक्टिवेट करके नहीं लगाया है तो सेल्स में कभी कैलकुलेट ही नहीं होगा वो, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। इससे भी बहुत लोग कंफ्यूज हैं, ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा मेरे, ठीक है ना।